हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं कुर्ला फिनिक्स मॉल। और एक्चुअली आज मेरा वैसे कुछ प्लान नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मूवी देखेंगे खेल खेल में, वो मूवी लगी नहीं हुई है। और वहाँ मॉल में चल के देखते हैं, अगर कोई और मूवी लगी रहेगी तो वो मूवी देखेंगे, और मूवी नहीं लगी रहेगी तो फिर चलते हैं पहले फिनिक्स मॉल देखते हैं। फिर अभी हम लोग आ गए हैं कुर्ला फिनिक्स के बेसमेंट में, और मुझे सच में बोल रहा हूँ ये पार्किंग का पे करना ना जरा अच्छा नहीं लगता। पार्किंग तो फ्री होनी चाहिए यार, और फ्री नहीं तो फिर भी 80 रुपीज कौन लेता है? रखो ना 20-30 रुपीज। इन लोग इतना महंगा क्यों लेते पार्किंग, मेरे को नहीं समझ में आता यार। और आज संडे है तो मे भी यार पूरा पार्किंग तो फुल ही रहेगा। पार्किंग पार्किंग, लाइट चालू है क्या, माइक चालू है इधर? अभी देखते हैं कहीं अच्छी जगह पार्क करने के लिए स्पेस। तो अभी हम आ गए हैं कुर्ला फिनिक्स मॉल में। अभी चलते हैं सबसे पहला आइनॉक्स में, और आइनॉक्स में चल के देखते हैं कौन सी मूवी लगी हुई है। अभी हम आए हैं PVR, देखते हैं यहाँ पे कौन सी मूवी लगी हुई है, उसके हिसाब से फिर चलते हैं देखने मूवी। तो अभी मैंने मूवी का पूछा तो खेल खेल यहाँ पे लगी हुई है, बट 3 बजे की है। 3 बजे तक का मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम है 3 बजे तक का, और 2.5 घंटे की मूवी है तो लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे और भी कहीं जाना है। तो अभी देखते हैं मॉल में और कुछ करेंगे। तो रॉ करके मूवी लगी हुई है, इसका टाइमिंग है 2 बजे, बट ये मूवी नहीं देखने जाना। मुझे पता ही नहीं है किसकी मूवी और क्या सीन है, ये मूवी नहीं जा सकते देखने, तो हम कुछ और देखेंगे। हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं मोस्ट अट्रैक्टिव जगह पे जो कि मैं हमेशा ही खाता हूँ, वो है डोनट्स। डोनट्स खाने का तो दिल है, कैरेमल क्रेज खाने का मन हो रहा है, और यहाँ का मैंगो शेक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो अभी ऑर्डर देता हूँ। बट वो इतनी बिजी है ना, यहाँ पे सुन ही नहीं रहे। A few minutes later. पूरी डाइट वगैरह यहाँ पे आके मेरी खत्म हो जाती है। जिस दिन संडे रहता ना, लिटरली गाइस मुझे इतनी क्रेविंग्स होती है ना मीठा खाने की, तो पूरी क्रेविंग्स मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अभी ये तो मैं खा ही रहा हूँ, और बट ऑब्वियसली मैंने ऑर्डर किया है मैंगो शेक जो कि मेरा यहाँ का फेवरेट है। फटाफट ये फिनिश करते हैं, उसके बाद मैंगो शेक भी आ जाएगा। तो सबसे मेरा फेवरेट मिल्क शेक है MOD का मैंगो शेक, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं डेफिनेटली ये पीता हूँ। और मैं स्ट्रिक्टली डाइट पे हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं 1-2 महीने से बहुत गंदे डाइट पे हूँ। बट जैसे ही संडे लगता है ना, फिर मेरे को बहुत ऐसा अंदर ना क्रेविंग आती है, भाई ये खा ले, वो खा ले, मीठा खा ले, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जिम नहीं जाता, तो मैं मॉर्निंग में कुछ भी प्रोटीन इंटेक नहीं लेता हूँ। और आज सुबह ही सुबह मैं मॉल आ गया, मैंने सोचा चल के पहले एक PVR में अच्छी कोई मूवी देखेंगे, बट मूवी का कुछ शेड्यूल नहीं बना, तो सामने PVR के मुझे MOD दिख गया। तो मतलब बहुत टाइम हो गया, चलते पहला मिल्क शेक पीते हैं और फिर ब्राउनी खाया, और अभी सोच रहा हूँ ये सब फिनिश करके चलें सीधा H&M। अभी हम लोग जा रहे हैं H&M, और गाइस मेरा मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी है। आप लोग मेक श्योर एक बार MOD में ये मिल्क शेक ट्राई करना, मैंगो मिल्क शेक। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे पर्सनली बहुत टेस्टी लगता है, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, इफ़ अगर आप लोग मिल्क शेक पीते हो तो आओ। वैसे तो मत ही पियो, बहुत सारा शुगर होता है इसमें। बड़ा संडे है तो मुझे बहुत क्रेविंग आ रही थी, तो मैंने बोला भाई आज तो पीना है, तो चलते हैं अभी फटाफट H&M। तो अभी हम लोग H&M आ गए, और अभी मैं हूँ लेडीज सेक्शन में। ओ वाओ यार, नाइस जैकेट, बट ये गर्ल्स का है, बट सही लग रहा है, 2600। फैब्रिक अच्छी है और जैकेट भी अच्छा ही है। ये गर्ल्स का जैकेट है और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये सच में बोल रहा हूँ। अगर ये जेंट्स होता तो मैं डेफिनेटली खरीद लेता था, बट अभी मैं किसको ही गिफ्ट करूँगा। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 2699 का है। ये डेनिम शर्ट देख सकते हो आप लोग H&M में, और अभी मैं गर्ल्स सेक्शन में हूँ। और ये गर्ल्स का मतलब ऐसा क्यों यार कि गर्ल्स लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन रहते हैं और हमारे लिए नहीं? पर्सनली मुझे ये शर्ट बहुत प्यारी लग रही है, बट ये लेडीज़ है। अभी मैं हूँ H&M में, और अगर मैं यहाँ की फैब्रिक और आउटफिट की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे। पर्सनली मुझे ये एक जैकेट सही लगी, ब्लैक वाली, और एक वो भी सही लगी। सो यहाँ पे चीज़ें तो पसंद आ रही है मुझे, बट देखते हो। यहाँ मुझे ना जैकेट का सही लग रहा है, मतलब 2-3 जैकेट मुझे यहाँ पे पसंद आ गई, बस खाली प्राइस बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। 5000 की ये जैकेट है जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लग रही है, और जैकेट वगैरह मैं डेली वेयर भी नहीं कर सकता, तो देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम H&M से निकल गए हैं, तो अभी हम लोग बेसमेंट में आ गए हैं, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं अभी सीधा घर। बहुत हो गया मॉल में घूमा टहली, तो अभी हम जा रहे हैं घर। आज के व्लॉग में बस इतने रहने वाला। ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो लाइक करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो यार।